नमस्कार, मैं हूँ अमृत शर्मा, आप देख रहे हैं STS टाइम्स। इन दिनों भिवंडी में गड्ढों का विषय चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया से लेके PMO ऑफिस तक गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने मनपा में एक गड्ढों पर विशेष मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में सांसद कपिल पाटिल, महापौर जावेद दलवी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन इमरान वली मोहम्मद, डिप्टी मेयर मनोज काटेकर, गट नेता नीलेश चौधरी, गट नेता संजय मात्रे, सभागृह नेता प्रशांत लाड और नगर सेवक सुमित पाटिल, नगर सेवक वासु नाडार और अन्य नगर सेवक इस मीटिंग में उपस्थित थे। गड्ढों की बात को गंभीरता से लेते हुए सांसद कपिल पाटिल ने सूचना की कमिश्नर को कि भिवंडी शहर के जल्द से जल्द गड्ढे भर दिए जाए और भिवंडी शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है उस समस्या को भी सुलझाया जाए। इस अवसर पर भिवंडी मनपा में इस मीटिंग के दौरान MRDA के JE और ट्रैफिक पुलिस और प्रभाग अधिकारी और इनके अलावा कई सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सांसद कपिल पाटिल ने गंभीरता जताई कि गड्ढों की वजह से भिवंडी शहर का नाम बदनाम हो रहा है और महानगर पालिका का भी नाम बदनाम हो रहा है। जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरा जाए और राजीव गांधी उड़ान पुल का भी काम जल्द से जल्द किया जाए। कमिश्नर ने विश्वास जताया कि कल से ही भिवंडी शहर में गड्ढों काम शुरू होगा और जल्द से जल्द भिवंडी की जनता को गड्ढों से राहत मिलेगी। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट STS टाइम्स की। तुमच्याकडे हात तर बांधले नाही, पैसे देतो ना आपण, जनतेचे पैसे, तुमचे नाही आणि ठेकेदाराच्या बापाचे नाही पैसे। जनतेच्या पैशांचा चांगला उपयोग जनतेला मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून आपली जबाबदारी आहे सगळ्यांची। तर महापौर साहेब महापौर होते तेव्हा सारखे पत्र द्यायचे, आता देतच नाही। त्याच्यामध्ये दुपारी म्हणजे गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकला पॉलिटिक थर्ड पार्टी चेकला पाठवलेला आहे। विषय कसा आहे, धामणकर नाका नाही, तुम्ही बाजारपेठ बघितलं ना तिकडे एवढी दोन तीन शाळा एकदा सुटल्या ना का तिकडे ट्रॉफिक वाला आपला फोन नाही भेटणार। रेस स्कूलच्या इकडे जा, एक एक तास आहे, तुम्ही मला सांगा दाखवा का तिकडे कोण ट्रॉफिक वाला होता एवढ्या दिवसापासून। पार्किंग केलेले असतो, बाजारात परचेसिंग करायला जातात, त्यांच्या स्वतःच्या रिक्षा तिकडे या उभ्या असतात, तर त्यांच्याकडे आत जागा चिकार आहे पण ते लोक आत नाही काढत, मागचा दरवाजा आहे तो ओपन नाही करत। त्यांनी करायला पाहिजे, कारण तिथून जे ट्रॉफिक तिथे होईल डायव्हर्ट होतोय पण ते करत नाही, पण आपण त्यांना सांगितलं पाहिजे आणि तिथून जे ट्रॉफिक कमी कशी होईल ते आपल्याला समजायला पाहिजे। लोक गरीब आले बोलतो ना बांगड्या तिकडे विकून विकून गेले तरी त्यांचं 5-5 वर्ष बिल नाही दिलं, आपलं एवढं नाव खराब आहे म्हणून पण आणि 10 ठेकेदार आले तर आपल्याला काय करायचं जुने काम की बात कर रहे हैं? जुने काम की बोल रहा हूँ, रोड की नहीं ना, अपना नाम इतना खराब हुआ ना। उद्यापासून सुरू करत आहोत आणि इयरली टेंडर जे आलेले आहेत त्यातनं खड्डे भरणे, पुलावरील काम आणि MMRDA व हायवे अथॉरिटी यांनी त्यांच्या रस्त्याची कामं आता सांगितल्याप्रमाणे बैठकीत तेवढ्याच प्रॉम्प्टमध्ये करून द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार मानतो। पर जो आज कमिश्नर साहब के साथ में जो मीटिंग आयोजित की गई, क्या इसमें हुआ? खड्डों के बारे में आज जो मीटिंग हुई, हमारी पूरी BJP पार्टी, खासदार साहब, हम सब गट नेता, नगर सेवक सब आ गए। जो गांव की समस्या है वो हमारी समस्या है, जो हमने जो बड़े बड़े